हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं मार्केट जैसी हलवाई के स्टाइल में जलेबी। तो इसको बनाने के लिए हमने लिया है 1 कप मैदा और लिया है 1 कप छना हुआ दही। इसको मैदा में मिला लेंगे। अब दोनों चीज़ों को हमें ऐसे मिक्स करना है कि इसमें बिल्कुल भी लम्स ना आए, एकदम फ्लोइंग इसकी कंसिस्टेंसी हो। तो दोनों चीज़ों को अच्छे से हम मिक्स करेंगे। तो जितनी मैदा लेनी है उतना ही हमें दही लेना है। इसको अच्छे से फेंट लेंगे। तो सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो चुकी हैं और इसमें बिल्कुल भी लम्स नहीं है। अब इसको 6 से 7 घंटे हमें फर्मेंट करना है। तो फर्मेंट करने के लिए अगर आपको मॉर्निंग में बनानी है तो आप इसको रात को लगा कर रख दें, और अगर इवनिंग में बनानी है तो मॉर्निंग में इसको आप मिक्स कर रख दें। ढककर रख देते हैं। अब पैन में डालेंगे 1 कटोरी चीनी और उसी कटोरी के नाप से डालेंगे 1/2 कटोरी पानी। गैस को ऑन कर देते हैं। अब दोनों चीज़ों को मिलाते हुए हम चाशनी बनाएंगे। चाशनी हमें एक तार की बिल्कुल भी नहीं बनानी है। बस जैसे ही चीनी चिपचिपी होगी तभी हम गैस को ऑफ कर देंगे। आप देखोगे कि चीनी अब घुलने लगी है और इसमें उबाल भी आने लगा है। तो अभी हमें इसको और पकाना है और इसको चाशनी बनाना है। चाशनी को चेक करके देखते हैं। इस तरह से देखेंगे, आप देखोगे कि अभी इसमें तार नहीं आया है, बस चाशनी हमारी थोड़ी सी चिपचिपी हुई है। तो बस गैस को बंद कर देंगे। अब इसमें डाल देंगे 1/2 नींबू का रस और साथ ही इसमें डाल देंगे 2 बूंद रेड फूड कलर। आप देखोगे कि मैदा भी हमारी बहुत अच्छी तरह से फर्मेंट हो चुकी है और इसमें बारीक बारीक से आपको झाग दिखाई देंगे, और ये फूल कर डबल भी हो गई है। अब इसमें मैं डाल दूंगी 2 बूंद फूड कलर और इसको भी मिक्स कर लेंगे। अब मेरे पास है ये काज किया हुआ कपड़ा जिससे कि मैं जलेबी बनाऊंगी। इमरती भी मैंने इसी कपड़े से बनाई थी। तो इसमें बैटर को डाल लेते हैं और इसको चारों तरफ से पकड़कर बंद कर देंगे। अब घी को मैंने मीडियम गर्म कर लिया है और अब जलेबी बनाना शुरू करेंगे। तो किनारे से शुरू करेंगे। इस तरीके से आप गोल गोल करते जाइए, बहुत ही आसानी से बन जाती हैं। बस जब तक आप नहीं बनाएंगे, जब तक लगता है कि पता नहीं कैसी बनेंगी, अच्छी बनेंगी या नहीं बनेंगी, तो आप लोग एक बार जरूर ट्राई करें इसको। अब इनको स्लो फ्लेम पर ही हम सिकने देंगे जब तक कि ये क्रिस्पी नहीं हो जाती हैं। अब एक साइड से ये क्रिस्पी होने लगी हैं तो हम इसको पलट देंगे। दोनों साइड से अच्छी तरह से सिक चुकी हैं तो इसको अब हम निकाल लेंगे। और फटाफट से गुनगुनी चाशनी में इसको डिप करेंगे। जब तक हम दूसरा बैच तैयार करते हैं। अब जलेबियों को हम निकाल लेंगे। तो बहुत ही बढ़िया हमारी जलेबी बनकर तैयार हो गई हैं। और आपने देखा होगा कि इसके बैटर में हमने कुछ भी ऐड नहीं किया है, सिर्फ दही और मैदा, बस उसको फर्मेंट किया है। और बढ़िया से जलेबी हमारी बनकर तैयार हो गई हैं। अब इसको गार्निश करेंगे थोड़े से पिस्ते से और गर्मा गर्म इसको सर्व करेंगे। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक का बटन दबाएं, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।